आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में, जहां पर तेजस को लेकर के कुछ चौंकाने वाली न्यूज सामने आई है। और सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर ये है कि क्या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं ये एकदम बेकार हैं, क्या ये किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक ऐसा ही विशेष पर्सपेक्टिव तेजस को लेकर के बनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि इस समय वायु शक्ति 2024 नाम से एक एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है भारतीय वायुसेना की तरफ से, जहां पर भारतीय वायुसेना के जो अलग अलग फाइटर जेट है ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करते नजर आए हैं। और इन्हीं सब के बीच में जो फ्रेंच राफेल फाइटर्स हैं, इन्होंने अपनी ताकत का बखूबी प्रदर्शन किया है, जहां पर राफेल फाइटर्स ने जो सक्सेसफुली मीका आईआर मिसाइल है, जो कि एक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल है, इसको टारगेट पे फायर किया और उस मिसाइल ने टारगेट को एंगेज किया। लेकिन भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने जब अपनी R-73 मिसाइल को फायर किया तो ये हिट करने से खुद को अवॉइड कर गई, यानी हिट करने से ये बच गई और मिसाइल जो है वो सीधे निकल गई। तो इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल में जो मीका मिसाइल इस्तेमाल की जाती है ये अपने क्लोज रेंज के जो अटैक है इनके लिए जानी जाती है, और इसने जो टारगेट है इनको सक्सेसफुली हिट किया है। लेकिन अगर हम तेजस की बात करें तो रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो तेजस है, जब इसने एक ड्रोन टारगेट पे अपनी जो R-73 मिसाइल है इसको फायर किया, तो टारगेट के पास पहुंचने पर इसका जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है ये ट्रिगर होना ही बंद हो गया, या ये ट्रिगर ही नहीं हुआ, जिसके चलते मिसाइल टारगेट को बिना हिट किए उसके एकदम बगल से निकल गई। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। पहली बात ये कहा जा रहा है कि जो पर्टिकुलर मिसाइल है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, और अगर टारगेट बड़ा होता तो शायद जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है ये ट्रिगर हो चुका होता। लेकिन आपको बताते चलें कि एक ऐसा भी नरेटिव इसको लेकर के सामने रखा जा रहा है जहां पर तेजस को ही पूरा प्लेटफॉर्म एक बुरे प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रदर्शित की जाने की कोशिश की जा रही है। आपको हम बता दें कि इसके पहले भी अलग अलग एक्सरसाइजेस में तेजस ने R-73 को फायर किया है, और वो जो मिसाइल हैं ये सक्सेसफुल टारगेट को हिट भी कर चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जो पर्टिकुलर मिसाइल मॉडल है जो उस समय फायर किया गया उसमें ही कुछ दिक्कतें थी, जिसकी वजह से वो टारगेट को हिट नहीं कर सका। अन्यथा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में सिर्फ R-73 ही इकलौती ऐसी मिसाइल नहीं है जो एक बार अगर मिस फायर हो गई तो उसकी वजह से तेजस को कोई घटिया प्लेटफॉर्म की संज्ञा दी जाए, क्योंकि इस समय एक विशेष लॉबी एक्टिव है तेजस के बारे में इस तरह लिखने और बोलने के लिए। तेजस में इसके अलावा जो पाइथन 5 है ये भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है और ये अपनी हाईएस्ट एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। तेजस में आप सबने सुना होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है यानी ASHRAM, इसका इंटीग्रेशन भी चल रहा है। यानी तेजस के अगर हम बात करें इन्वेंट्री में तो उसमें जो मिसाइल है उसकी कमी नहीं है, तेजस के आर्सेनल में मिसाइल की कमी नहीं है। तो इसलिए R-73 के केस के बाद तेजस को जज करना उचित भी नहीं है। हालांकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है ये पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि R-73 के साथ क्या वजह थी जिसके चलते वो टारगेट को हिट नहीं कर सकी। लेकिन हम आपको बताते चलें कि एनालिस्ट इस बात को लेकर के ये कहते हैं कि पर्टिकुलर मिसाइल मॉडल में ही कुछ दिक्कतें थी जिनके चलते ये चीजें नहीं हो पाई। अब दूसरी अगर हम अपडेट की बात करें जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के आ रही है, तो वो इनके प्रोडक्शन को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो प्रोडक्शन है इसको रैंप अप करने का प्रयास किया जा रहा है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि 2025 तक तकरीबन 15 से 16 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक वो बना सके, जिसके चलते जो तेजस की डिलीवरीज हैं ये टाइम पे की जा सके। लेकिन अब माना जा रहा है कि उनका ये जो उद्देश्य है इसको एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अपने जो इंजन डिलीवरी रेट है इनको बढ़ाने में फिलहाल तो असमर्थ है, जिसके बाद मीडिया के गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि इस डिले का जो सीधा प्रभाव है ये तेजस के प्रोडक्शन पर पड़ेगा, क्योंकि जब इंजन की डिलीवरी ही टाइम पर नहीं होगी तो तेजस के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाएगा और कैसे जो एक उद्देश्य रखा गया है, एक टाइमलाइन रखी गई है सामने, वो पूरी होगा। क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk-1 को पावर करने वाले हैं, और इनकी जो डिलीवरी है ये अगस्त 2023 से शेड्यूल की गई थी, लेकिन अभी इनकी डिलीवरी शुरू होना बाकी है।
और इस बात पे सफाई देते हुए खुद जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई चेन है इसमें उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन है इसको रोकना पड़ गया था, लेकिन अब सारी चीज़ें रिजॉल्व की जा चुकी हैं और जो डिलीवरीज हैं ये इसी वर्ष से शुरू होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। गौर करने वाली बात एक ये है कि पहले 4 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारतीय वायुसेना को अगस्त 2024 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिनमें से जो पहला एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को मार्च में मिल सकता है और उसे राजस्थान के नाल एयरबेस में डिप्लॉय किया जाना है। तेजस हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के MiG-27, MiG-23 और MiG-21 के परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको देखा जा रहा है और भारतीय वायुसेना इन पे कितना भरोसा करती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A स्क्वाडर प्लेस किया गया था और अभी जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू होने वाली है ये इसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एक और बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जहां पर एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी दी गई थी। तो ये जो प्रोक्योरमेंट है ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और भारतीय वायुसेना प्रमुख भी इस मामले को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंजन की समस्या कितनी ज़्यादा गहरा सकती है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो आप सबको पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है इसके एक्टिव होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकेगा। हालांकि अभी भी HAL का जो टारगेट था ये 2025 में 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर की जो प्रोडक्शन रेट है इसको प्राप्त करने का था, लेकिन जिस प्रकार के रवैये को इस समय जनरल इलेक्ट्रिक ने अपनाया है उसको देख करके मुश्किल लगता है कि हम लोग 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना पाएंगे। इनफैक्ट रिपोर्ट तो ये दावा करती है कि अगर डिलीवरीज नॉर्मल नहीं हुई इंजन की तो उल्टा ये जो अभी एस्टिमेट रखा गया है 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर का ये उल्टा इस पे इम्पैक्ट कर सकती है और ये नंबर्स गिर सकते हैं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे इनफैक्ट कि ये नंबर्स गिरने ना पाएं, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय डिले को अफोर्ड करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कई बार मीडिया के सामने आकर के ये हिंट दिया है कि इंडियन एयरफोर्स भी अब इस सारे मामलों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसके चलते जो स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको भारतीय वायुसेना जोर दे रही है। खैर, जनरल इलेक्ट्रिक इस समय ये भी प्लान कर रही है कि कुछ जो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स हैं ये भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएं। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी अंडर कंसिडरेशन है, ये दावा तो नहीं किया जा सकता कि जनरल इलेक्ट्रिक इनको भारत में मैन्युफैक्चर करेगी या नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले भविष्य में जनरल इलेक्ट्रिक इस तरह का जो बड़ा कदम है वो उठा भी सकती है अगर अमेरिका में सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं ये रिजॉल्व नहीं किए जा सकते और यहाँ पर भारत में जनरल इलेक्ट्रिक की जो F404 इंजन MRO फैसिलिटी है ये देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है, भारत ने बड़ी संख्या में ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं भारत के द्वारा प्लेस किए गए हैं। तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक इस बड़े कह सकते हैं प्रपोजल पे विचार कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।